लड़की मांगेगी, मामा इनकार कभी नहीं करेगा, भाई इनकार कभी नहीं करेगा। और इमरती देवी जी, आपने डबरा को जिला बनाने की बात कही है, मैं सहमति बना के डबरा को जिला कोई नहीं छोड़ता। आपसे मेरा निवेदन, एक कपट मेरे सीने में है, एक दर्द मेरे सीने में है, एक बोझ मेरे सिर पर है कि जो इमरती देवी मेरे कारण पार्टी सरकार छोड़ के आई, सरकारी पार्टी छोड़ के आई, वो इमरती देवी बाय इलेक्शन में चुनाव नहीं जीत पाई। आज तक वो हार मेरे सीने में कांटा बन के कसकती है। इस बार मैं आपसे हाथ जोड़ के ये प्रार्थना करने आया हूँ, इतनी तेजस्वी लगातार काम करने वाली, आपकी सेवा करने वाली, जो दिल में होता है वो जवान पे जाता है, कभी छुपाती नहीं, जो दिल में होता है वो जवान को होता है। ऐसी सदन हमारी बहन इमरती को आपका आशीर्वाद मिल जाए, भारतीय जनता पार्टी को जिताए। ये मेरी कारण की है शिवराज सिंह चौहान की, मैं डबरा के विकास में कोई और कसर नहीं छोड़ूंगा, कोई और कसर नहीं छोड़ूंगा। बोलिए, आप सबका आशीर्वाद मिलेगा, इमरती देवी को विधायक बनाएंगे, डबरा संकट ले अपनी बेटी इमरती को हम विधानसभा में भेजेंगे, और विधानसभा के मैं जिताने के बाद क्या बनाना है ये मैं तो कहूंगा। आपके सम्मान को कभी कम नहीं होने दूंगा, डरने वालों, मेरा बोल ये भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। नई नई योजना जो पक्का मनमान से जो अभी कह दियो कि तुमने तो इमरती से आइटम कहा था, लेकिन टिकट को तुमने आइटम बाकी को ले रहा, और मन्ना भाई दिखाना है आइटम कम, मैं तो आइटम हूँ, मैं सुंदर हूँ, मेरे माँ बाप सुंदर थे, अच्छी हूँ, इसलिए आइटम कहा, लेकिन इनने तो आइटम बम बना दिया, आइटम बम को टिकट दिया है। ऐसी सरकार, ऐसी भ्रष्ट सरकार, ऐसी नीच सरकार, इतनी खराब सरकार, कांग्रेस पार्टी जैसी गंदी सरकार हो ही नहीं सकती दुनिया में। और मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ कि आप जरूर भाई साहब से जिला मांगो। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। चिंता में रहती हूँ कि मेरी जनता का भला कैसे हो और मैं जनता का भला कैसे कर पाऊँ। तो आज मुख्यमंत्री जी ने जो मेरे मन की बात कही है, कोई मैं कह रहा था, तुम मैंने मुख्यमंत्री जी के सामने भी कही है कि बस हमारे डबरा को एक बार जिला बना दो, और उनने जो आश्वासन दिया है, अगर अब मेरी जनता अगर मुझे आगे लाती है तो मैं वादा करती हूँ कि डबरा को मैं जिला बना के रहूंगी और डबरा को जिला बनाऊंगी। आज आप बाबू को यो क्या कुछ क्या कारण रहा? क्या कारण रहा कि भावुक होना पड़ा? सब हमारे बड़े बुजुर्ग बहने सामने बैठी थी, और जब भाई ने कहा कि सरकार छोड़ के और हमारे साथ आई, फिर भी हमारी बहन हार गई, कैसे हारी, उस वजह से थोड़ा सा मुझे दुख हुआ। लेकिन दुख तो होता ही है, लेकिन आज मैंने, आपने भी देखा होगा कि चुनाव हार के भी मैंने हिम्मत नहीं हारी, और ना हिम्मत जीवन में हारूंगी। हिम्मत हारूंगी जब डबरा जिला बन जाएगा, उसके बाद हिम्मत हार के घर बैठूंगी और घूमूंगी, चाहे जाऊंगी, राजनीति नहीं करूंगी। क्या लगता है आपको, जिस तरह आज भी उनने सही कहा, श्यावर माता पे 20वां उनने प्रोग्राम किया था, जब मैंने बारकरी जिगनिया की मांग रखी थी और श्यामरी के पुल की मांग रखी थी, उनने कहा था इमरती देवी को जिता दो, मैं बारकरी जिगनिया की नहर बनवाऊंगा और श्यामरी का पुल बनवाऊंगा। तो शिवराज सिंह मामा हमारे भाई, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे प्रदेश के मुखिया कभी झूठ नहीं बोलते, लोग बात कुछ भी कहे, अगर जो उनने बोल दिया वो करेंगे। तो यानी कि माना जाए अब हम जिले में रहने वाले हैं, माना जाए जल्दी से जल्दी हम जिले में रहने वाले हैं। कितने वोटों से जीत की उम्मीद लगाई बैठी? तो ये मेरी जनता के हाथ में, जे तो जनता से,
ये जनता से पूछो, जनता से पूछो, जनता को अच्छा चाहिए कि बुरा चाहिए, विकास चाहिए कि विनाश चाहिए, ये जनता से पूछो। ठीक।